अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं बोदला सरकार के मज़ार शरीफ की ज़्यारत कराएंगे आज आपको इंशाल्लाह। इस वक्त आप अलम शरीफ की, गाज़ी अब्बास अलम शरीफ की ज़्यारत कर रहे हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं बोदला सरकार के मज़ार शरीफ पर। इंशाल्लाह उनकी ज़्यारत करेंगे और फेस पाएंगे उनके मज़ार शरीफ से। और जैसा कि आपको पता है कि इनकी बोदला सरकार कौन है, हज़रत लाल शहबाज कलंदर के ख़ास मुरीदों में से एक मुरीद थे और इनका चरबर राजा का एक शहर था, उनका एक पूरी दास्तान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपको कंप्लीट बताऊंगा। अभी हम इनके मज़ार शरीफ की ज़्यारत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि इस वक्त मैंने आपको कहा था कि बोदला सरकार के मज़ार की ज़्यारत करवाऊँगा आपको, और हम इस जगह पर पहुँच चुके हैं। आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम ज़्यारतें आपको इंशाल्लाह आज मैं करवाऊंगा। और आज ये बोदला सरकार की ज़्यारत है, मुबारक है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये झूला है जो पर इमाम हुसैन के नाम का, इमाम हुसैन के नाम का लोग मन्नत मानते हैं, अलम शरीफ है। अंदर चलते हैं हम। ये बोदला सरकार की ज़्यारत मुबारक, जहाँ पर लोग फातिहा करते हैं, कुरान खानी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। आप दोस्तों से भी गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह, जो मेरे दोस्त बाहर ममालिक में हैं और बाहर शहर में हैं, सिटी से बाहर हैं और मुल्क से बाहर हैं, उनको मैं लाइव मनाकर दिखा रहा हूँ इस वक्त सेवन शरीफ के। जैसा कि आपको बताया, ये बोदला सरकार जो कि चरबट राजा का जो शहर था, जो मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले दिखाया कि वो जो शहर उल्टा कर दिया गया था, वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने बोदला सरकार के जब टुकड़े करके बनाया जा रहा था, तो उन्होंने जलाल में आके उस शहर को उल्टा कर दिया था। तो ये उन्हीं बोदला सरकार का मज़ार है, ज़्यारत है। तो जब आप, जब भी आपका आना हो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।